गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास बच्चों, हम रिवीजन पार्ट कर रहे हैं और चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने सेल ऑर्गेनेलीज को स्टार्ट कर दिया था, तो हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर लिया था। तो आज कुछ बच्चे चाह रहे हैं कि गॉल्जी बॉडी को एक बार फिर से बताया जाए। तो गॉल्जी बॉडी, लाइसोजोम और फिर रिमेनिंग सेल ऑर्गेनेलीज हम करेंगे। तो अपने चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम डिस्कस करें सेल ऑर्गेनेलीज। तो नेक्स्ट जो है हम लेते हैं गॉल्जी बॉडी, गॉल्जी बॉडी। लास्ट क्लास में मैंने समझा दिया था वैसे ही, डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गॉल्जी, फॉर्म बाय सिस्टर्नी वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल। ओके बच्चों, ये तीन प्रकार की जो स्ट्रक्चर है इनके मिलने से गॉल्जी बॉडी बनते हैं। गॉल्जी बॉडीज वर डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गॉल्जी। तो वो कैमिलो गॉल्जी नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने डिस्कवर किया था। प्लांट में इन्हें हम डिक्टियोजोम्स कहते हैं, थर्ड बुक एंड नोटबुक, ओनली लिसन केयरफुली एंड लुक एट द बोर्ड। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से सुने और समझे। तो ये जनरली सभी एनिमल सेल में पाए जाते हैं, आरबीसी में नहीं पाए जाते, और प्लांट में इन्हें हम डिक्टियोजोम्स कहते हैं। सिस्टर्नी, वैसे मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में समझाया है, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, ऐसे लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच रहते हैं। और वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स, ये बच्चों ट्यूब्यूल है, ये वेसिकल्स हैं और ये सिस्टर्नी है। तो इन तीनों से ही गॉल्जी बॉडीज का फॉर्मेशन होता है। गॉल्जी बॉडी की स्केच में ड्रॉ कर देता हूं, ऐसे स्टेट लाइक फ्लैट स्ट्रक्चर्स होती हैं इनकी, इस तरीके से।
बच्चों ये स्केच है गॉल्जी बॉडीज की, ठीक है। तो ये फ्लैट स्टेक लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में पाई जाती है। तो इसका ये जो कॉन्वेक्स पार्ट है, ये जो पार्ट है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या न्यूक्लियस की ओर होता है, इसे सिस और फॉर्मिंग फेस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस और फॉर्मिंग फेस। और जो ये पार्ट है, कॉनकेव पार्ट है, इसे हम कहते हैं ट्रांस और मैच्योरिंग फेस। तो एक्चुअल में जो गॉल्जी बॉडीज हैं, ये पैकेजिंग करती है जो भी प्रोटीन लिपिड का फॉर्मेशन होता है, तो उनकी पैकेजिंग, उनकी मॉडिफिकेशन करती है। फिर पैकेजिंग हो जाती है वेसिकल्स के अंदर, वेसिकल्स फिर यहाँ से मूव, यहाँ पैकेजिंग हो जाती है, फिर यहाँ से वो मूव करते हुए यहाँ से रिलीज होते हैं और सेल से बाहर रिलीज किए जाते हैं। आगे बात समझ में? तो ये गॉल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं फंक्शंस की। तो गॉल्जी बॉडीज डू द फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो प्रोटीन बनती है, जो लिपिड्स बनती है, तो पहले उनका मॉडिफिकेशन करती है, जैसे कि ग्लाइकोसिडेशन और ग्लाइकोसिलेशन। ग्लाइकोसिडेशन है प्रोटीन का ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्जन, ठीक है, और ग्लाइकोसिलेशन है प्रोटीन का लिपिड का ग्लाइकोलिपिड में कन्वर्जन। तो आप इतना ध्यान रखें, प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन और लिपिड को ग्लाइकोलिपिड में कन्वर्ट करती है, यानी कि मॉडिफिकेशन करती है। फिर उनकी पैकेजिंग होती है वेसिकल्स के अंदर, और वो वेसिकल्स से फिर मूव करते हुए ट्रांसफेस वाले पार्ट से रिलीज होती है सेल से बाहर। बताइए समझ में आया नहीं आया? आ गया। तो पैकेजिंग का काम करती है, सेल सिक्रेशन में रोल प्ले करती है, सेल के अंदर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है तो उसका रिमूवल भी करती है। गॉल्जी बॉडी के फ्रेगमेंट से लाइसोसोम भी बनते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी बनते हैं लाइसोसोम। गॉल्जी बॉडीज से सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। प्लांट सेल में डिक्टियोसोम्स के द्वारा जब सेल का डिवीजन होता है तो सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात आपके? सेल वॉल मटेरियल का फॉर्मेशन, सेल वॉल मटेरियल का फॉर्मेशन भी गॉल्जी बॉडी के द्वारा होता है। और स्पर्म जो होता है, मेल जो ह्यूमन गैमेट है, मेल गैमेट है, तो इसमें एक्रोसोम जो कैप पार्ट है, एक्रोसोम पार्ट है, उसका फॉर्मेशन जो है वो गॉल्जी बॉडी के द्वारा होता है। एक्रोसोम का फॉर्मेशन भी होता है। तो पैकेजिंग करना, मॉडिफिकेशन करना, सेल में सिक्रेशन करना, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिमूव करना, प्लांट सेल में सेल प्लेट को बनाना, सेल वॉल मटेरियल को बनाना, और एक्रोसोम, स्पर्म के एक्रोसोम का फॉर्मेशन भी गॉल्जी बॉडीज के द्वारा होता है। तो दीज आर द सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ गॉल्जी बॉडीज। बताइए बच्चों समझ में आया नहीं आया? यस, कॉम्प्लेक्स बाद में बात करते हैं अपन। बच्चों ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है। क्या है ये? सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड। इतना समझ में आया नहीं आया? आ गया। आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं लाइसोसोम। Discovered by डी डुवे। लाइसोसोम्स को किसने डिस्कवर किया? डी डुवे ने किया। और ये मेनली एनिमल सेल में पाए जाते हैं। समझ में आ गई? प्लांट सेल में भी कुछ एक पाए जा सकते हैं, फंगल सेल में, फंगाई की सेल में ये पाए जाते हैं। ये सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है। इनके अंदर 50 डिफरेंट टाइप के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, 50 टाइप के, डिफरेंट टाइप के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, प्रोटीन को पचाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए, फैट को पचाने के लिए, शुगर को पचाने के लिए, वेस्ट को डाइजेस्ट करने के लिए, अलग अलग टाइप के एंजाइम्स होते हैं। लाइसोसोम का फंक्शन क्या है बच्चों? के सेल के अंदर जो जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, जैसे अमीबा वगैरह, तो उनमें फूड के डाइजेशन में, फूड के कॉम्पोनेंट्स के डाइजेशन में, फूड के डाइजेशन में, फूड के कॉम्पोनेंट्स के डाइजेशन में इनके एंजाइम रोल प्ले करते हैं, ठीक है। जो वेस्ट मटेरियल है उसको इनके एंजाइम डाइजेस्ट करते हैं।
सेल के अंदर कोई सेल ऑर्गेनेल डेड हो जाता है तो उसको डाइजेस्ट करना, उसको रिमूव करना, ये भी लाइसोजोम्स करते हैं। क्या करते हैं? लाइसोजोम करते हैं, डेड सेल ऑर्गेनेल्स को रिमूव करते हैं। समझ में आ गई बात? लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि कभी कभी जब ये बर्स्ट हो जाते हैं तो इनके एंजाइम पूरी सेल में स्प्रेड हो जाते हैं और पूरी की पूरी सेल को ही डाइजेस्ट कर डालते हैं। बताइए, समझ में आया नहीं है? आ गया, क्लियर है बेटा? तो इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, सुसाइडल बैक्स ऑफ द सेल, सुसाइडल बैक्स ऑफ द सुसाइडल बैक ऑफ द सेल। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके एंजाइम पूरी सेल को ही डाइजेस्ट कर जाते हैं और सेल फिर खत्म हो जाती है, डेड हो जाती है। बताइए बच्चों, समझ में आया नहीं है? सिंपल है, ठीक है। अब लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है ना आपके? ठीक है, आई थिंक यू शुड रिवाइज डी विच वी आर टीचिंग इन द ऑफलाइन क्लासेस। ओके, तो जो हम पढ़ा रहे हैं वो आप डेली रिवाइज करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ बिल्कुल, माइटोकॉन्ड्रिया। Discovered by Kolliker and name given by Benda. मैं पहले स्केच बना देता हूं।
हाँ जी बेटा, बोर्ड पे देखिए, दिस इज द स्केच ऑफ ए माइटोकॉन्ड्रियन। ये एक माइटोकॉन्ड्रिया का स्केच है, दिखाई नहीं दे रहा, यहां लिख देता हूं, स्केच ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन, स्केच ऑफ माइटो स्केच ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन। सॉरी बच्चों, मैं एक बार रिकॉर्डिंग भी चल रहा है तो एक बार फिर से बोल देता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया को कॉलिकर ने डिस्कवर किया, बैंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। ये पावर हाउस ऑफ द सेल के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि रेस्पिरेशन का क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है, एटीपी का फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है जो कि एनर्जी करेंसी है। तो इससे ये फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया के। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का डीएनए, खुद के एंजाइम और आरएनए और राइबोसोम्स, 70 टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। तो ये कुछ प्रोटीन्स जो रिक्वायर्ड है ये खुद बना सकते हैं, नए माइटोकॉन्ड्रिया इन्हीं के डिवीजन से बनते हैं। तो ये सम ऑफ द प्रोटीन दे कैन ऑल्सो सिंथेसाइज, वो खुद बना सकते हैं। कुछ एक प्रोटीन के लिए, एंजाइम के लिए न्यूक्लियस के जीन और डीएनए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया कुछ प्रोटीन खुद बना लेते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल कहते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट लेते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड बच्चों, प्लास्टिड्स जो हैं वो अर्नेस्ट हैकल के द्वारा, प्लास्टिड्स वर डिस्कवर्ड बाय अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल ने इनको डिस्कवर किया और प्लास्टिड्स प्लांट्स में पाए जाते हैं, प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। ओके, समझ में आ रहा है आपके? चलिए, ये थ्री टाइप के हैं, टाइप्स, प्लास्टिड्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट, क्रोमोप्लास्ट। सेकेंड, ल्यूकोप्लास्ट। इसमें भी तीन है, एक तो है एमाइलोप्लास्ट। सेकेंड नेक्स्ट है इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट और नेक्स्ट लेते हैं एल्यूरोनोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। एल्यूरोनोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट, ठीक है, ध्यान से देखिए बच्चों। और एक थर्ड टाइप और है, वो है क्लोरोप्लास्ट। थर्ड जो टाइप है वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ध्यान से देखिए बच्चों, प्लास्टिड्स आर ऑफ थ्री टाइप, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड है। ये क्या है? कलर्ड प्लास्टिड है। इनमें कई प्रकार के फैक्ट सॉल्युबल
और वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स पाए जाते हैं, कैरोटीनॉइड, कैरोटीन, जेंटोफिल, लाइकोपिन, अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स पाए जाते हैं और दे इम्पार्ट द वेरियस कलर्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को वेरियस कलर प्रोवाइड करते हैं। समझ में आ रहा की बात, आपके क्रोमोप्लास्ट के जो पिगमेंट्स हैं, आज टोमेटो रेड क्यों है, ठीक है ना, कैरेट रेड क्यों है, चिली ग्रीन क्यों है, तो मतलब उनका कलर क्रोमोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट पिगमेंट के कारण से है। समझ में आया आपके? सेकेंड लेते हैं, हार्मफुल नहीं होते, सारा खेल ही पिगमेंट का है। आप जो फूड खा रहे हो प्लांट से, वो भी तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बन रहा है, ठीक है, तो वो भी तो पिगमेंट से ही बन रहा है, पिगमेंट की प्रेजेंस में बन रहा है। नेक्स्ट लेते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या है बच्चे? जो ल्यूकोप्लास्ट है ये कलरलेस प्लास्टिड है। ये क्या है? कलरलेस। तो कलरलेस जो पार्ट है प्लांट के वो, और जो अंडरग्राउंड पार्ट है वहां पर ये प्लास्टिड पाए जाते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट आर ऑफ थ्री टाइप्स। जो ल्यूकोप्लास्ट है ये थ्री टाइप के हैं, इसमें तीन है, एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, एल्यूरोनोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट। जो एमाइलोप्लास्ट है ये स्टार्च को स्टोर करते हैं। किसको स्टोर करते हैं? स्टार्च को स्टोर, स्टार्च, दे स्टोर द स्टार्च, ठीक है। फिर लेते हैं इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट फैट को स्टोर, फैट और ऑयल, फैट और ऑयल या फैट एंड ऑयल, ठीक है। इलियोप्लास्ट किसको स्टोर करते हैं? फैट को या ऑयल को। एल्यूरोनोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट ये प्रोटीन को स्टोर करते हैं, स्टोर प्रोटीन, स्टोर द प्रोटीन। दे स्टोर द प्रोटीन। नेक्स्ट थर्ड टाइप लेते हैं क्लोरोप्लास्ट। बच्चों क्लोरोप्लास्ट आर द ग्रीन प्लास्टिड, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। ये भी डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं, कैरोटीनॉइड्स भी पाए जाते हैं, और ये डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन है सनलाइट को ट्रैप करना और ग्लूकोज बनाना। तो जो फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन या प्रोसेस है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट लीव्स में पाए जाते हैं, मेसोफिल सेल्स में पाए जाते हैं। समझ में आ गई बात आपकी? और इसकी स्ट्रक्चर को, इसके और डिटेल को हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी मैं ड्रॉ करूंगा तो टाइम कम बचा है, ठीक है बच्चों। चलिए बेटा आज के लिए इतना ही। अगर आपकी कोई भी क्वेरी या डाउट है तो हैंड रेज कर दें आप। अगर आपको कुछ पूछना है तो हैंड रेज कर दें, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन।